हे गाइस, इन दिस वीडियो में आप सबसे शेयर करने वाली हूँ 3 प्रोडक्ट मेकअप चैलेंज। एंड अभी अभी मेरी सीरीज़ गई हुई है एंड मेकअप से थोड़ा बोर हो गई थी, तो मैंने सोचा ये मेकअप में कुछ नया करते हैं। तो मैंने 3 प्रोडक्ट मेकअप चैलेंज लिया कि मैं ये करती हूँ, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करूँगी कैसे। सो मैंने कहा क्यों नहीं, एक बार ट्राई करते हैं फुल फेस मेकअप 3 प्रोडक्ट से। सो मैं वही करने वाली हूँ एंड मेरी सीरीज़ गई है अभी अभी। सो 5 यूट्यूबर इंस्पायर सीरीज़ थी वो, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ जाइए वॉच कीजिए। एंड हाँ, वॉच करने के साथ साथ लाइक भी कीजिएगा अगर पसंद आएगी तो, क्योंकि आप देखते हैं बट पसंद आती है बट उसको लाइक नहीं करते हैं। सो जाइए एंड वॉच कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, तो प्लीज़ आप उससे जाके वॉच कर लीजिए। एंड अभी रिसेंट में मेरा एक वीडियो गया है व्हाट्स इन माय बैग, सो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि मेरे बैग में क्या क्या रखा है, तो आप जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। एंड फिर मूव ऑन करते हैं इस टॉपिक पे जो आज मैं करने वाली हूँ। सो ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मुझे भी नहीं पता मैं ये सब कैसे करने वाली हूँ। ओनली 3 प्रोडक्ट है मेरे पास। सो ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। एंड हाँ, आप देख के चले जाते हैं सब्सक्राइब भी कीजिएगा एंड बेल, बगल में उसके बेल बटन है उसको हिट भी कीजिएगा। सो हिट करके एंड कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा ये फनी वाला मेकअप चैलेंज, क्योंकि काफ़ी फनी है ये। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो मेरे पास यहाँ पे है सिर्फ 3 प्रोडक्ट। ये लिपस्टिक है, लाइनर है, सीसी क्रीम है लैक्मे की। सो यहाँ मैं बता देती हूँ, ये लिपस्टिक है ये डार्लिंग इजाबेला की, इसका फुल रिव्यू है आप जाके देख सकते हैं। काफ़ी सारे शेड का मैंने रिव्यू दिया हुआ है, कोई एक शेड नहीं है। एंड ये जो शेड आज मैं यूज़ करूँगी ये है प्लेफुल पीच रॉयल्टी, शेड नंबर 13 है ये। सो आप देख सकते हैं काफ़ी काफ़ी खूबसूरत सा पीच कलर है ये। एंड ये लाइनर NYB का है, काफ़ी अफोर्डेबल है ये। एंड ये लैक्मे की सीसी क्रीम है। सो या मैं इसी से अपना मेकअप करने वाली हूँ। सो यहाँ पे नो ब्रश मेकअप चैलेंज भी होने वाला है, क्योंकि मैंने कोई ब्रश नहीं लिया है हुआ है, कोई भी ब्रश नहीं है मेरे पास। कैमरे में बहुत अच्छे से ये ब्लेंड हो गया है एंड काफ़ी अच्छा ब्लेंड दिख रहा है। मैं एक बार मिरर में भी देखती हूँ, ये सी काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो गया है, नॉट बैड। अब मूव ऑन करते हैं अपनी लिपस्टिक के साइड पे। तो लिपस्टिक से मैं क्या करने वाली हूँ, सबसे पहले तो मैं लिपस्टिक लगाऊंगी। गाइज ये फुल फेस मेकअप है बट हाँ, इसमें कोई ब्रॉन्जिंग एंड हाइलाइटर नहीं होगा, सो माफ कीजिएगा। एंड अब इसे कि मैं लिपस्टिक के काफ़ी सारे हैक्स हैं, तो इसे अब मैं अपने ब्लश की तरह अप्लाई करूँगी। हम अपने नोज पे लगा लेंगे। एंड या सो यहाँ मेरा ब्लश भी लग गया एंड हाइलाइटर। गाइज मैं सनलाइट में वीडियो शूट कर रही हूँ तो इस वजह से मेरा फेस हाईलाइट हो रहा है। एंड गाइज मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं रिंग लाइट लूँ या कोई भी लाइट लूँ अपने वीडियो के लिए, क्योंकि अभी मैं इतना ह्यूज सेटअप नहीं लेना चाहती हूँ। एक बार मेरा चैनल ग्रो कर जाए तो मैं ये सब करूँगी, बट अभी जैसा है वैसा ही मैं शूट कर रही हूँ। एंड अगर आपको ऐसे में सनलाइट में शूट करना अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड कैसा लग रहा है मेरा ये वीडियो विदाउट रिंग लाइट, एनी लाइट सेटअप, एनी शूटिंग का सेटअप से। सो मैं नॉर्मल लाइट में शूट कर रही हूँ एंड सनलाइट भी आ रही है सो उससे। एंड चलिए मूव ऑन करते हैं अपने आई शैडो की तरफ। अगर आप लोग गाइस, अगर आप लोग सच में अगर आप लोग सपोर्ट करोगे ना मेरा चैनल जब ग्रो करेगा, तो मैं पक्का अपना सेटअप चेंज करूँगी, पूरा बैकग्राउंड सेटअप, लाइट, सब कुछ, एवरी ले लिया, आई शेडो भी हो गया। सो अब मूव ऑन करते हैं अपने लास्ट प्रोडक्ट की तरफ। सो लास्ट प्रोडक्ट हमारा होने वाला है आईलाइनर। सो मैं इसको लगाऊंगी, इसे मैं काफ़ी सारे वेज में यूज़ करूंगी। सो यहाँ मैं बहुत प्रिसाइसली बहुत थिन लाइनर ड्रॉ करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं है मेकअप का।
क्योंकि मेरा सीरीज अभी अभी गया है और मेरा मूड बिल्कुल नहीं है मेकअप का, तो मैं नहीं चाहती कोई भी मेकअप करना, बट मैंने सोचा ये चैलेंज मैं कर ही लेती हूँ। सो आप देख सकते हो मैंने कितना थिन लाइनर है, सो आप देख सकते हो कि मैं लाइनर कैसे लगाती हूँ, आप ये भी देख सीख सकते हो अगर आपको सीखना है तो। एंड अगर आपको अलग से इस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं लाइनर कैसे लगाती हूँ, मैं वो ज़रूर आप लोग से शेयर करूँगी प्रॉपर वीडियो में अलग से। एंड अब इसी को मैं मस्कारे की तरह लगा लूँगी इसके बॉन्ड से, बट हाँ आप केयरफुली लगाना क्योंकि काफ़ी सारा प्रोडक्ट होता है, आप जो एक्सेस प्रोडक्ट है उसको क्लीन करके ही लगाना। ये हमारे टीनेज एंड बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आपके पास बजट नहीं है इतना, आप स्कूल गोइंग गर्ल हो आपके पास नहीं है, तो फिर आपको अच्छा है ऐसे मस्कारा लगाना। मैंने एक ही कोट किया हुआ है, अगर दो कोट करूँगी तो मैं ज़रूर मेरा लैश और वॉल्यूम हो जाएगा मेरे आई लैशेज, तो मैंने दो कोट नहीं किया हुआ है यहाँ पे। एंड सॉरी फॉर द नॉइज़, क्योंकि चिट चैट वीडियो है एंड बाहर नॉइज़ तो आएगा ही ना यार, तो मैं क्या कर सकती हूँ उसके लिए। अपनी वीडियो के लिए मैं सबको भगा तो नहीं सकती, सबको मूव ऑन तो या सबको चुप तो नहीं करा सकती ना। सो मूव ऑन करते हैं अब अपने ब्राउज की तरफ, क्योंकि अगर जब तक ब्राउज नहीं हुई रहती है कोई मेकअप फुल नहीं होता है, तो मैं इसी से ब्राउज बनाऊंगी। बट हाँ, ये हैक में पहली बार ट्राई कर रही हूँ, आज तक इसे इस वियर्ड हैक को किसी ने ट्राई नहीं किया है आई लाइनर से अपना ब्राउज बनाना, क्योंकि आज तक ये वियर्ड हैक किसी ने नहीं किया है, तो मैं ट्राई कर रही हूँ देखते कैसा होता है। बट गाइस आपको कैसे लगाऊँ मैं, गाइज मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, अगर आप ये है ट्राई भी मत करना कभी भी, एंड अगर करते भी हो यार तो प्लीज़ सारा एक्सेप्ट प्रोडक्ट निकाल देना एंड आप ट्राई मत करना, क्योंकि आईब्रो पेंसिल आपको 10 रुपीज़ में भी अच्छी खासी ADS की मिल जाएगी, तो आप वही अप्लाई कर लेना प्लीज़। ये हैक मत ट्राई करना, मुझे तो करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे 3 प्रोडक्ट का बनाना था वीडियो। सो आपको दिख रहा है कैमरे में कि नहीं, बट मेरे यहाँ कुछ ज़्यादा ही प्रोडक्ट आ गया है इतना एक्सेस रिमूव करने के बाद। सो यहाँ मेरा कम्प्लीटली डन होता है 3 प्रोडक्ट मेकअप, एंड यहाँ पे फुल फेस मेकअप है एक्सेप्ट ब्रॉन्जिंग एंड हाइलाइटर, क्योंकि यार नॉर्मल रोज के टाइम में या मतलब हर हर दिन आपको अगर मेकअप करना है तो आप इतना ब्रॉन्जिंग और हाइलाइटिंग तो नहीं करोगे ना, या कुछ लोग हाइलाइटिंग करेंगे बट इतना ब्लशिंग ब्लशिंग तो नहीं करेंगे ना, तो बस ये नॉर्मल से रोजाना मेकअप समझ लो। बट कैसा टर्न आउट हुआ है मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, सो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा टर्न आउट हुआ है, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। सो अब मैं करती हूँ अपने वीडियो का एंड, बट मेरी सारी वीडियोस देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। एंड स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस एंड स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।